जय श्री राधे कृष्णा। इस घटना का उल्लेख हमें रुक्मिणी मंगला में मिलता है। देवी रुक्मिणी ने जब श्री कृष्ण को पत्र लिखा था, तब श्री कृष्ण ने ये घोषणा पूरे द्वारका में करवा दी थी। सभी श्री कृष्ण की अर्धांगिनी को लाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। माता देवी की वसुदेव जी, बलराम राव, रेवती जी, ब्रह्मा, गायत्री, गौरी, शंकर, सभी देवी देवता और यदुकुल की सारी स्त्रियां श्री कृष्ण को हल्दी लगाती हैं। खुद गणेश जी ने कलश पूजन किया था। बलराम राव ने पांडवों को पत्र लिखा और उन्हें भी निमंत्रण दिया, क्योंकि विदर्भ में जरासंध, शिशुपाल, रुक्मिणी और ऐसे कई अन्य राजा थे जिनसे शायद युद्ध भी हो सकता था। पांडव द्वारका पधारे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को सहरा बांधा। बलराम राव की पत्नी रेवती जी श्याम सुंदर के नयन में सुरमा डालते हुए उनसे नेक मांगती हैं। तब श्री कृष्ण अपनी लक्ष्मी रुक्मिणी से मिलन में इतने उत्साहित थे कि उन्होंने कहा, आपको जो चाहिए आप मांगिए, चाहे तो मैं अपना पूरा ब्रज भूमि भी दे दूंगा। बाद में सभी देवता, ब्रह्मदेव, महादेव, इंद्रदेव और यदुकुल की पूरी बारात श्री रुक्मिणी को लेने विदर्भ गए। फिर श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का हरण किया और उनसे विवाह किया था। तो ये आज की वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और यूनिराउंड.com को सब्सक्राइब कीजिए।